हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्क्वाड। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, कि मेरे आजकल एग्जाम चल रहे हैं और आज भी मेरा एग्जाम है। बट मैं आज थोड़ा जल्दी रेडी हो गई थी, तो मुझे लगा आज व्लॉगिंग ही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत एक व्लॉग ही बना दिया जाए, क्यों ना, क्योंकि मुझे बहुत आता है ना वैसे भी। और लास्ट मोमेंट पे मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या ही पढ़ूँ, अब जितना पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया अब। तो मेरा एग्जाम है RKMV में 2 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है 12:40 में भी, और मुझे 1 बजे निकलना भी है, लेकिन दीदी को ब्लॉग भी बनाना है, लेट भी हो रहा है। फिर मैं चेक कर लेती हूँ एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ, तो मिलती हूँ आप लोगों को रास्ते में। बाय बाय। हे हाय, वेलकम बैक अगेन। तो मैं निकल चुकी हूँ रूम से और मैं रास्ते में चल रही हूँ। अब मुझे थोड़ी बहुत एनजाइटी भी हो रही है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कुछ भी नहीं पढ़ के जा रही हूँ। तभी मैं कह रही थी कि लास्ट मोमेंट पे क्या ही हो जाएगा पढ़ के। मैंने सिर्फ बुक को देखा है ऐसे हवा हवा में, उसमें क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखते आज क्या होने वाला है मेरा एग्ज़ाम में। अब तो यही सोच रही हूँ, बस लिख कर आ जाऊंगी कुछ भी। एनजाइटी लेवल भी बढ़ रहा है अब तो चलते हैं रास्ते में, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का रास्ता। तो ये थे यहाँ के डरावने रास्ते, जिन रास्तों में मुझे दिन में भी चलने में डर लगता है, लेकिन जाना पड़ रहा है मुझे अकेले अकेले। यहाँ पे चलते फिरते लोगों को तेंदुए मिल जाते हैं। तो मैं अभी रास्ते में चल रही थी और मुझे चलते चलते मिले हैं मेरे दोस्त। से हाय शिवानी दी। हेलो। तो कितना कितनी कितनी किताबें फाड़ के आ गए हो आप लोग? बस हमने कर लिया। शिवानी दी टॉप मत कर लेना कहीं यार। यार ये मेरे नाम नहीं, हिमांशु का भी लेती। हिमांशु आपने कितना पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। सेम हेयर, मेरी भी ऐसी हाल है। और मैंने अभी अभी अपने दोस्तों से पूछा उन्होंने कितना पढ़ा है, और वो भी कह रहे कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी जितना ब्लैंक तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे ही पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। देखते क्या होने वाला है आज एग्जाम में। और मैं ये पहुंचने वाली हूँ RKMV, ये रहा RKMV कॉलेज। और यहाँ देखो पहले से इतने सारे बच्चे आ चुके हैं। ये आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते और रिवीजन करते करते आ रहे हैं। हाय शीतल, आप तो मन में भी रिवीजन कर रहे हो। हाय वृंदा दी। हाय सप्पू, कितना पढ़ा है आपने? कुछ नहीं पढ़ा यार। ऐसे मत बोलो यार, आपको ब्लॉग बनाने के लिए इतना टाइम। यस, मैं कुछ नहीं पढ़ के आई हूँ इसी खुशी में। देखो ये देखो पढ़ाकू लोगों को रिवीजन करते करते आ रहे हैं। मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने टॉपिक देखे हैं सिर्फ बुक में। शीतल आप बताओ आपने कितना पढ़ा है? सारे झूठ बोल रहे हैं, ये पढ़ रहे। देखो इनका रिवीजन चल रहा है इधर। इन दोनों शख्स को देखो, इनको यहाँ पे भी सुकून नहीं है। देखो 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 इन्हें, कम पढ़ो यार, टॉप ना कर लेना कहीं। इसको बोलते हैं रट्टा मारना, इसको बोलते हैं पढ़ाकू बच्चे। चलो चले, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। और लकीली में और सबको आज साथ बैठे हैं। सबको कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग। और अब हम एंटर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। वृंदा दी कैसा फील आ रहा है? पढ़ाकू लोगों को बता ही नहीं सकते कुछ, स्पीचलेस। सब कुछ पढ़ के आया है वो। वृंदा दी पढ़ने नहीं, रट्टा मार के आया है, बोल तो। हाँ
हाँ तो आपने कुछ तो करा है यार, मेरे जैसे लोगों ने कुछ नहीं करा है, बस लिख के आ जाओ, दैट्स इट। सबको पढ़ते पढ़ते जा रही है देखो इसे। अच्छा अच्छा चलो तो मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद। हाय वेलकम बैक गाइस, तो हम आ चुके हैं अभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। मेरी शक्ल देख के आपको पता तो लग ही गया होगा मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। यार मेरा एग्ज़ाम छूट गया। अब मैं अपनी दोस्तों से पूछती हूँ उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सबको आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है? अच्छा हो गया एग्ज़ाम। ओ माई गॉड, आपकी खुशियाँ बता रही हूँ, बहुत अच्छा हुआ। सबको मेरे पीछे ही बैठी थी और इतना सारा लिख रही थी ना, अब हम चले, लेट भी हो रहा है। आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ है बिंदा दी? बहुत अच्छा हुआ है सजीना। आपका कैसा हुआ है? मेरा हो गया यार, बस छूट गया मेरा एग्जाम। आ भी नहीं रहा था कुछ। चलो चलो अच्छा होने की खुशी में जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। इनका भी यूट्यूब चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल का नेम बता दो। वृंदा ठाकुर, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हाँ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं आरकेएमबी से मॉल रोड घूमने। आज इनके पेपर की खुशी में इनका पेपर अच्छा हुआ है दोनों का, और मेरा तो बिना पढ़े वाही आती होगा, बस पास होके आ गए। संदीरा के जितना झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छा एग्जाम हुआ फिर भी ऐसा बोलती है, मतलब ये पढ़ के आती है फिर भी ऐसा बोलती है। यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे मैं पास होके आई हूँ, जस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाएगी, इतना है, मतलब अच्छा नहीं हुआ है। ये देखो टॉपर क्लास की। बस बस चले चले, तो मिलते हैं आपको मॉल पे। बाय बाय। हे हाय वेलकम बैक गाइस, सो अभी मेरे दोस्त भी जा चुके हैं और मैं यहाँ पर अकेले अकेले घूम रही हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर माय सिस्टर। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।